सन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया। उस समय भले ही यह थ्योरी कुछ ही लोगों को समझ आई हो, पर इसने हमारे भविष्य में समय यात्रा करने की कल्पना को काफी हद तक सच साबित किया। पर इस थ्योरी के अनुसार हम केवल भविष्य में ही समय यात्रा कर सकते हैं, ना कि भूतकाल में, क्योंकि हम लाइट की स्पीड से भविष्य में आगे तो जा सकते हैं पर पीछे नहीं आ सकते। भूतकाल में समय यात्रा संभव ना होने वाली बात पर लोगों ने यकीन करना तब शुरू किया जब सन 2009 में स्टीफन हॉकिंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने भविष्य के कुछ समय यात्रियों को अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया था, पर उनके इस दावत में भविष्य से समय यात्रा करके कोई नहीं आया, जिससे हॉकिंस ने यह साबित किया कि हम समय यात्रा की सहायता से भविष्य में तो जा सकते हैं, पर हम कभी समय यात्रा की सहायता से अपने भूतकाल यानी कि पास्ट में नहीं जा सकते। पर हमारे इतिहास में समय समय पर ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि वे समय यात्रा करके अपने भूतकाल के रोमांचक दुनिया का लुत्फ उठा चुके हैं, और ऐसा ही एक दावा हाल ही में नोवा नाम के एक व्यक्ति ने किया है। 17 नवंबर 2017 के दिन पैरानॉर्मल एलाइट नामक एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो को प्रकाशित किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नोवा है उसने यह बताया कि वह एक समय यात्री है और वह अपनी जान को खतरे में डालकर सन 2028 से 2017 में हमें भविष्य से जुड़े कुछ बेहद कीमती बातें बताने आया है। नोवा ने बताया कि सन 2003 में ही टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया गया था, पर शुरुआती दिनों में सरकार और खुफिया एजेंसी ने उसे आम लोगों से छुपा कर रखा था, परंतु जब यह सच्चाई लोगों के सामने आई तो सन 2028 में जनता की मांग और दबाव के चलते समय यात्रा करने की तकनीक को सार्वजनिक कर दिया गया। अपने बारे में बताते हुए नोवा ने कहा कि वह साउथ अमेरिका से है और उसकी उम्र 50 साल है, पर सन 2028 तक वैज्ञानिकों ने ऐसे ड्रग्स और दवाइयों का आविष्कार कर लिया है जिसकी सहायता से नोवा शारीरिक रूप से किसी 25 साल के युवक की तरह जवान हो चुका है। नोवा ने आगे बताया कि वह 2028 से 2021 में गया था और वहां कुछ समय बिताकर वह 2017 में आ गया, पर दुर्भाग्य से अब नोवा किसी कारणवश दोबारा 2028 में नहीं जा सकता और ना ही उसके वापस जाने में कोई उसकी सहायता कर सकता है, और वह एक तरह से अपने ही भूतकाल में फंस गया है। नोवा ने अपने वीडियो के जरिए यह कहा कि वह किसी को भी गुमराह नहीं करना चाहता और ना ही वह किसी तरह से लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, बल्कि उसका उद्देश्य यह है कि वह हम सभी को हमारे भविष्य से अवगत करा सके और यह बता सके कि भविष्य में समय यात्रा संभव है। यह तो थी नोवा से जुड़ी बातें, पर नोवा ने हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ी जो बातें लोगों को बताई वे काफी हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि सन 2028 तक वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। भविष्य के लोग अपना ज्यादातर पैसा टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च कर रहे हैं, और सन 2028 तक ऐसे कई कार्स का निर्माण किया जा चुका है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं और जिन्हें केवल एक बार चार्ज करने पर हम लगभग 965 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले इन्हीं वाहनों के कारण भविष्य में शहरों में मौजूद प्रदूषण की मात्रा काफी कम हो चुकी है। नोवा ने आगे बताया कि जिस तरह आज दुनिया में मोबाइल फोन्स का राज चल रहा है, उसी तरह सन 2021 तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य मोबाइल फोन से ज्यादा महत्व एक ऐसे डिवाइस को देने लगेगा जो देखने में पूरी तरह किसी चश्मे जैसा होगा, पर उसमें आज के कंप्यूटर्स जितनी प्रोसेसिंग पावर मौजूद होगी, और हम अपने दिन भर का ज्यादातर काम इसी चश्मे की सहायता से करेंगे। नोवा ने भविष्य में चुने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति से भी जुड़ी काफी रोचक बातें लोगों को बताई। उसने 2020 में अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बारे में कहा कि मैं यहाँ अपना विचार या पक्ष नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यह बात मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट भी डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, जो कि 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे। दोस्तों, नोवा को पैरानॉर्मल एलाइट द्वारा $700 भी दिए गए, जिससे नोवा 2017 में अपना जीवन यापन कर सके। अंत में नोवा ने जाते समय लोगों से बस इतना कहा कि मेरी बातें सुनने के लिए आपका धन्यवाद, आप सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, नोवा की बात में कितनी सच्चाई है या तो कोई नहीं जानता, पर आने वाले 3 से 4 सालों में हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा,
मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।